हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ओके, एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया और उसने कहा, सर मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, मैंने ढेर सारे सीरियल देखे, मैंने ढेर सारे चैनल सुने और बहुत बातें मुझे आती हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें आपसे सीख लूँ। गुरु ने उस शिष्य को पास बैठाया और नौकर से दो कप चाय लाने के लिए बोला। चाय आई और गुरु पहले अपने कप में चाय डाली, फिर उस शिष्य के कप में चाय वो उड़ेलते रहे। जब वो कप भर गया, उसके बावजूद भी गुरु उसमें चाय डालते रहे। अंत में जब वो बाहर निकलने लगी, शिष्य चिल्लाया, अरे अरे गुरु, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो कप भर गया फिर भी आप चाय डाल रहे हैं। कहें बेटा, बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम पहले से अपना दिमाग भर के आते हैं, ढेर सारे उसमें दिमाग, ढेर सारे उसमें विचार, ढेर सारी उसमें बातें, ढेर सारी चीज़ें उसमें पहले से भरी हुई होती हैं, तो उसमें नई चीज़ें नहीं आती हैं, नई चीज़ें नहीं सीख मिलती हैं। इसलिए अगर हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने को अज्ञानी मानना होगा, हमें जीरो लेवल से शुरुआत करना होगा। ये मानना होगा कि सामने वाला हमें कुछ सिखा सकता है, हमारी ज़िंदगी में काम आ सकता है, हमारे भविष्य को बना सकता है, हमारे किसी मोड़ पर काम आ सकता है। वो कहीं ना कहीं हमसे श्रेष्ठतर है, कहीं कुछ हमें सिखाने के लिए आया है, हमें ज़िंदगी में कुछ नया ऐड करने के लिए आया है। तभी आप उससे कुछ सीख पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कहीं भी जाएं, अपने को कंप्लीट खाली करके जाएं, जिससे आप सीख सकें, नई बातों को अपने दिमाग में बैठा सकें, ठीक ना? अगर आपको अच्छी लगे बातें तो दिल में बैठा लीजिए, अगर ना अच्छी लगे तो कोरी बकवास समझ कर करके आप इसको एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। ओके, मैं जानता हूँ कि जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहेंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक सुनने वाला अपने अंदर बदलाव नहीं लाना जा सकता, तब तक यूके मिश्रा उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो अपने अंदर चेंज ला करके अपनी दुनिया को सबसे सफल इंसान बनाना चाहते होंगे, उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूर मेरे कुछ शब्द काम आ सकते हैं। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करें, मीन्स किसी एक वेक्टर को डिवाइड कैसे करें, टू कंपोनेंट में, थ्री कंपोनेंट में, थ्री से ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड कैसे करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। रिजोल्यूशन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि किसी गिवन वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट में इस तरीके से डिवाइड कर दो कि उनका कंबाइंड इफेक्ट वही हो जो गिवन वेक्टर का है। तो फिर वो क्या हम क्या कहेंगे, इसे हम रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। हम कहेंगे हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। अब वो जो उसके पार्ट आएंगे रिजॉल्व करने के बाद, वो उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट कहलाएंगे। अब ये रिजोल्यूशन भी अगर आप दो नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना चाहते हो तो इनफाइनाइट कंपोनेंट मिल जाएंगे, अगर आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना चाहते हो तो मैक्सिमम टू कंपोनेंट मिलेंगे, अगर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना चाहते हो तो मैक्सिमम थ्री कंपोनेंट मिलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि टू डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व करें, थ्री डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व करें, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस पर बिल्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था। हम उम्मीद करते हैं जरूर आपको बातें समझ में आई होंगी, आप जरूर उस पर कमांड किए होंगे, क्योंकि आप अच्छे माइंड के स्टूडेंट हैं, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक ना? आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपने उसको जरूर सुना होगा और अपनी जिंदगी के लिए उसको जरूर अपने माइंड में बैठा लिया होगा आने वाले एग्जाम के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करें। अभी तक हम लोगों ने ऐड करना सीखा, ठीक ना? अब हम देखेंगे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। लेकिन अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, चूंकि वेक्टर में तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा वो स्केलर है, या मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा वो वेक्टर है।
ये भी हो सकता हो कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो आपका स्केलर हो, ये भी हो सकता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो वेक्टर हो, जैसे आप माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस आता है, दो माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट में प्लस आ रहा, वैसे ये भी हो सकता है कि वेक्टर इंटू वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आ जाए, और जैसे आप प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस आता है, तो ये भी हो सकता है कि आपका वेक्टर इंटू वेक्टर किया जाए तो वेक्टर आ जाए। ओके, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट इस बात से डिपेंड करेगा कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट स्केलर मिल रहा है या वेक्टर मिल रहा है। तो अगर रिजल्ट हमें स्केलर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर हमें रिजल्ट वेक्टर मिलता है तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एक तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट स्केलर आएगा जिसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, एक तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें वेक्टर आएगा जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो मींस दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होगा, एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो उसको डॉट से डिनोट किया जाता है, दो वेक्टर के बीच में डॉट का यूज करते हैं इसीलिए उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है, और जब भी दो वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में क्रॉस का यूज किया जाता है इसीलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चाहे आप डॉट प्रोडक्ट कहें या स्केलर प्रोडक्ट कहें दोनों एक ही बात है, चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट कहें या वेक्टर प्रोडक्ट कहें दोनों एक ही बात है। तो आइए हम देखते हैं कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की शुरुआत अपने क्लास की। ओके, आइए देखें प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? दो वेक्टर का प्रोडक्ट, कितने वेक्टर का? टू वेक्टर्स का। कितने वेक्टर्स का? टू वेक्टर्स का। क्या करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स कह जा सकते हैं, ठीक ना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। तो आइए देखते हैं, जब आप लोग मैथ स्टडी करते हो तो क्या करते हो? माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करते हो, क्या आता है? प्लस आता है। जब आप माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई किए तो प्लस आया। ऐसे ये देखा गया कि जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर आ जाता है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो स्केलर आ जाता है। बीच में देखिए हमने डॉट का यूज किया है, देखिए ले तो हम रहे हैं दो वेक्टर, इनपुट तो दो वेक्टर में है लेकिन आउटपुट हमारा स्केलर मिल रहा है। ऐसे अगर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आउटपुट में वेक्टर मिलता है, जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस आया तो वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर आता है, यहाँ क्रॉस लगाते हैं। तो यहाँ पर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आउटपुट वेक्टर मिल रहा है, यहाँ पर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आउटपुट स्केलर मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा स्केलर आए उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वेक्टर आए उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, क्लियर समझ में आ गया बच्चों? सभी स्टूडेंट समझ में आ गया? पीछे वाले बच्चे, सभी बच्चे समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप लोग। आइए अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप जरूर समझेंगे, ठीक ना, क्योंकि आप बड़े ही पेशेंस से सुनते हैं क्लास को। तो देखिए एग्जांपल है आपका, चलो देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आ गया। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया लेकिन वर्क क्या आया? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट स्केलर आया, वेक्टर इनटू वेक्टर से स्केलर मिल रहा है, और बीच में देखिए डॉट यूज किया है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। ये वर्क डन मिल गया, वर्क डन कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर प्रोडक्ट का पहला एग्जाम्पल ये हो गया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन आता है, वर्क डन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बॉडी पर फोर्स एफ एक्ट कर रहा हो, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हो, तो एफ डॉट वी करते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर आती है। क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर आती है। ये पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर मल्टीप्लाई किया पावर स्केलर आ गया, ये एक स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है या डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है।
मैग्नेटिक फील्ड अगर बी हो, मैग्नेटिक फील्ड बी हो, एरिया वेक्टर ए हो और मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी आ जाता है, इसको फाई पढ़ते हैं, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी आ जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए एक स्केलर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई हो, एरिया वेक्टर ए हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, फाई ई आ जाता है। ये देखिए दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल हो गया। अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम हो, मैग्नेटिक फील्ड बी हो, इनको मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये स्केलर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। करंट डेंसिटी जे हो, करंट डेंसिटी जे हो, एरिया वेक्टर ए हो, इनको मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक करंट आती है, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। आप इन सभी एग्जांपल में देख रहे हैं कि हम तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट हमें स्केलर मिल रहा है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और बीच में हम डॉट का यूज कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। तो जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमें एक स्केलर मिल जाए तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल में। देखिए यहाँ पर आर पोजीशन वेक्टर है, यह फोर्स है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, हमने मल्टीप्लाई किया, मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया या टार्क आ गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इनटू वेक्टर मल्टीप्लाई किया, वेक्टर आ गया, बीच में हमने क्रॉस यूज किया, आउटपुट क्या मिला, वेक्टर मिला, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। देखिए पोजीशन वेक्टर आर है, लीनियर मोमेंटम पी है, पोजीशन वेक्टर आर है, लीनियर मोमेंटम पी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एंगुलर मोमेंटम एल आ गया या जे आ गया, एंगुलर मोमेंटम एल या जे आ गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिया, पोजीशन वेक्टर आर को मल्टीप्लाई किया, लीनियर वेलोसिटी वी आ गई, ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इनटू वेक्टर आ गया, ये वेक्टर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो, पोजीशन वेक्टर आर हो, अल्फा क्रॉस आर करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन ए मिल जाता है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक टार्क मिल जाता है या मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम हो, मैग्नेटिक फील्ड बी हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नेटिक टार्क मिल जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यू चार्ज हो, वी वेलोसिटी से चल रहा हो, बी मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नेटिक फोर्स मिल जाता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। तो देखें ये सारे एग्जांपल जो हैं वेक्टर प्रोडक्ट के हैं, रीजन क्या है कि रिजल्ट में वेक्टर मिल रहा है, और यहाँ क्रॉस का यूज किया इसे इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। आइए अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर हैं ए और बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, मीन्स दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। क्या, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, और उनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा, कॉस थीटा को कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। तो उनके बीच का जो कॉस थीटा एंगल है उसके उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए बिटवीन देम, दस अगर वेक्टर ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, ये रिजल्ट एक स्केलर आएगा। ये मॉड ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है, मॉड बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। आइए हम देखते हैं, ये एक्स वाई एक प्लेन है,
एक्स वाई एक प्लेन है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड है ए का, बी मैग्नीट्यूड बी का है, कॉस थीटा इनके बीच का एंगल है। अब हम देखें कि आखिर इसकी ज्योमेटिकल मीनिंग क्या होती है स्केलर प्रोडक्ट की, तो देखिए ज्योमेटिकल मीनिंग हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए इंटू बी कॉस थीटा, मॉड ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बी के एंड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें पीएम, बी के एंड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें पीएम, अब हमें एक नया लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ओएम, क्या मिल जाएगा ओएम, अब ओएम जो है ओएम की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा, ओएम की वैल्यू क्या हो जाएगी बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा बी का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन में, बी कॉस थीटा क्या है बी का कंपोनेंट है किसके डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन में, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए, तो जब भी हम ए डॉट बी करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया और बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया ए बी कॉस थीटा आ गया, क्या आ गया ए बी कॉस थीटा आ गया, तो ये मॉड ए हमारा ए आ गया और बी कॉस थीटा जो है बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में आ गया। तो यहां पर आपने ए का मैग्नीट्यूड लिया, बी का कंपोनेंट लिया, किसके ए की डायरेक्शन में। अब आप आइए देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए कॉस थीटा इनटू बी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इनटू बी, बी क्या है बी का मैग्नीट्यूड है, ए कॉस थीटा है ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन में। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये जो आपका आएगा ओ एन, ये क्या आएगा ओ एन, ओ एन जो है ये ए कॉस थीटा होगा, ओ एन क्या होगा ए कॉस थीटा होगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा ए कॉस थीटा इनटू बी, क्या ए कॉस थीटा इनटू बी। तो अब अगर ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये ए कॉस थीटा क्या है कंपोनेंट है किसका ए का, किसकी डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन में, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए आपने ए का कंपोनेंट ले लिया बी के अलांग और किसका मैग्नीट्यूड लिया बी का, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लिया। तो ये आपका जो है ये जो है आपका ज्योमेटिकल मीनिंग आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और उससे दूसरे वेक्टर का उसी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और दूसरे का उसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।